नमस्कार, चिनौरा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्व एवं खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई के अंतर्गत शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की जांच की गई और सैंपल लिए गए। दल द्वारा परतला के दिनशा दुग्ध संयंत्र का निरीक्षण कर दूध का सैंपल लिया गया और साफ सफाई के निर्देश दिए गए। साथ ही सिवनी रोड स्थित पवार टी हाउस के कारखाने में मगज के लड्डू और पेड़े के सैंपल लिए गए। जिले में देर रात घर में घुसकर किसान की हत्या और लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दर्जन भर नकाबपोशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना में नकदी और जेवरात की लूट हुई है। मामला उमरानाला चौकी के उमरिया गांव का है। किसान की हत्या के बाद आरोपियों ने उसकी पत्नी से चाय बनवाकर पी और लाश के सामने बैठकर शराब भी पी। पूरा मामला छिंदवाड़ा के उमरिया गांव का है, जहां फकीरा पाठे अपने खेत में मकान बनाकर रहता था। देर रात करीब 10 से 12 नकाबपोश बदमाश पीछे का दरवाजा तोड़कर घर में घुसे और लूट की वारदात को अंजाम देने लगे। जब इस बात का विरोध घर के मुखिया फकीरा ने किया तो उस पर डकैतों ने रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और वारदात के दौरान आरोपियों ने परिवार को 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश अब लोगों के लिए खतरा बन गई है। तेज बारिश के कारण शहर के नाले उफान पर हैं। ऐसे में छात्रों की जान से खिलवाड़ करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश के कारण सोनपुर मार्ग पर बहने वाली पुलिया ओवरफ्लो हो गई है, जहां कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहां पर स्कूल वैन का ड्राइवर लबालब भरी पुलिया को बच्चों से भरी स्कूल वैन के साथ पार करके बच्चों की जान जोखिम में डाल रहा है। जिले के 3 एटीएम मशीनों से लाखों रुपए चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। जिनारदेव के 2 और गुड़ी के 1 एटीएम मशीन को तोड़कर लाखों रुपए चोरी किए गए हैं। घटना के बाद छिंदवाड़ा जिले की पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है, जबकि मामले की गहन जांच की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।